शिक्षा समाचार एमपी में आपका स्वागत करता हूं एक नई अपडेट लेकर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म यहां पर एक डाला गया, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए यहाँ पे डाला गया। महज 4-5 साल बाद ये भर्ती आई हुई है। इसका विज्ञापन पूरा अभी आया नहीं है, लेकिन जो अधिसूचना जारी की गई है उस पर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा। मैं इसे डाउनलोड करता हूं और डाउनलोड करने पर देखिए, कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश जो नया नाम है, इस नाम पर यहां पर ये जानकारी दी जा रही है और यहां पर आपको बताया जा रहा है। तो हम बात करेंगे तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की चयन यानी भर्ती 2022 के संबंध में ये जानकारी है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। ये प्रयास सही मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी कर रहे थे और काफ़ी दिनों से यहाँ आंदोलनरत थे कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही भर्ती निकलनी चाहिए, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि विज्ञापन में केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए भर्तियां निकली है। आगे बात करूंगा मैं, आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है वो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति होगी और यहाँ पर आवेदन में संशोधन के लिए 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है, तो वह 15 की जगह 20 नवंबर तक ऑनलाइन संशोधन किया जा सकता है यदि आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो। आगे बात करेंगे परीक्षा का दिनांक और दिन, परीक्षा की पाली, अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग टाइम और कितना टाइम मिलेगा। देखिए, 16/12/2022 शनिवार से परीक्षा प्रारंभ होगी और यहां पर 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली पारी जो रहेगी 7 बजे से और दूसरी 12 बजे से होगी। निर्देश पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी 8:50 से 9 और 1:50 से 2 बजे तक का। परीक्षा में उत्तर देने का समय 2 घंटे का रहेगा, यानी पेपर 2 घंटे का होगा, 9 से 11 और 2 से 4 बजे का। प्रमुख परीक्षा शहर की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, सागर यहाँ पर परीक्षा केंद्र होंगे। अधिक जानकारी के लिए पीईबी की साइट www.peeb.mp.gov.in पर उपलब्ध पूरी जानकारी, नियम शर्तें होगी, वहाँ से पदों की जानकारी भी आपको मिलेगी। अभी परीक्षा शुल्क के संबंध में हम बात कर लेते हैं, और जो अनारक्षित अभ्यर्थी है उन्हें ₹500 प्रति पृष्ठ पत्र देना होगा। जो आरक्षित है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, उन्हें रियायत दी गई है, ₹250 प्रति पृष्ठ पत्र देना होगा। कियोस्क से फॉर्म भरने का ₹60 देना होगा और सिटीजन यूजर हैं तो ₹20 आपको देना होगा। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन यहाँ पर पोर्टल शुल्क जरूर लगता है। आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है, आधार पंजीयन यहाँ पर सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होता है। अभ्यर्थी का यहाँ पर UIDA नंबर सत्यापित किया जाता है। इसी के प्रकार सभी जो भी योग्यताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। परीक्षा ऑनलाइन बेस पर होगी और 12वां पॉइंट लिखा है, उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। जो पंजीयन अभी प्रारंभ हो चुका है, बीच में थोड़ी समस्या जा रही थी। यहाँ पर विशेष जाति के लोगों के लिए भी छूट दी गई है, उन्हें सीधे भर्ती ली जाती है इसके लिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। पूरा विज्ञापन जैसे ही आता है आपसे डिस्कस करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।